We are starting the last question of this exercise, that is 19 of exercise 6.2 class 12 which are हमारे पास ये function है that is y equal to x square brother e to power minus x. आपको क्या बताना है कहाँ पर ये increasing होगा इन चारों में से. बिल्कुल simple है. इस सवाल को करते वक्त एक नजर इधर रखा करो, एक नजर इधर रखा करो, answer आ गया. कैसे मैं समझाता हूँ. देखो आप इसका सबसे पहले differentiation निकालो भाइयों. जब आपने differentiation निकाला याद आने वाली बात first function और ये सेकेंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. जैसे आप बोलते हो वैसे बोल लो, जो आपकी लैंग्वेज है. एक्स स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे डिफरेंशिएशन बोलो, डेरिवेटिव बोलो, जो आपका मन करे डी अपॉन डी एक्स बोलो, अपनी लैंग्वेज में बोल लो. ठीक है, इसका क्या आ गया आपके पास ऑप्शन, ये आ गया सर ई टू पावर माइनस एक्स. फिर दोबारा आपको डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा माइनस एक्स का. ठीक है, यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स और ये आ गया आपके पास 2x. तो ये कितना हो चुका है एक्स स्क्वायर डॉट e टू पावर माइनस एक्स और ये माइनस एक्स का माइनस वन आगे मैंने यहाँ लगा दिया. ठीक है, सबसे पहले और यहाँ पर आ गया सर 2x डॉट e टू पावर माइनस एक्स. आप कॉमन ले लीजिए सर, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, e टू पावर माइनस एक्स और x ले लीजिए. x और e टू पावर माइनस एक्स आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया है ये बाहर चले गया, ये बाहर चले गया माइनस एक्स और यहाँ पर एक्स बाहर चले गया और ये बाहर चले गया टू, ये हमारे पास रह गया. ठीक है, अब आपको वो वाली बात पता है ना, कोई भी नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है. तो ये ऐसे आ गया एक्स टू माइनस एक्स, मैंने इसको यहां लिख लिया, इसको यहां अपॉन में ई टू पावर एक्स. बात समझ रहे हैं सर, ये आ चुका है. अब ये इंक्रीजिंग कब होगा, ये इंक्रीजिंग जब होगा जब आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर होगा जीरो से. ठीक है ना, यानी ये पूरा का पूरा ग्रेटर होना चाहिए किससे, जीरो से. आइए चेक कर लेते हैं, माइनस इंफिनिटी से आपके पास है इंफिनिटी तक का इंटरवल. ऐसे इंटरवल में तो बहुत सारे सब इंटरवल यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि कोई बच्चा अगर नेगेटिव के 100 लेगा, मान लो नेगेटिव 100 वो लेके चल रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव पार्ट चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव 100 रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इंक्रीजिंग तो आएगा नहीं. कोई बच्चा अगर यहाँ से माइनस टू और जीरो लेता है, माइनस वन को लेता है, और माइनस वन उसने अगर यहाँ पर रखा है आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन हो गया है माइनस टू, और माइनस टू से अपॉन माइनस वन उसने यहां पर रख लिया है, तो माइनस वन वो यहां रखेगा और यहां भी रखेगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहां पर रखेगा तो ये माइनस वन नेगेटिव, ये सारा का सारा यहां का पंगा नहीं है, ये तो पॉजिटिव ही आता है हमेशा. e की पावर एक्स तो कुछ भी रख लो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, एक्सपोनेंशियल है. पंगा इन दोनों का है, इसका और इसका, इन दोनों में डिस्कस करना है. अब यहां पर मैंने इंटरवल लिया मान लो माइनस वन, माइनस वन यहां रखा तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया, ये भी डिक्रीजिंग जा रहा है. इसको चेक करिए c को जरा मन लगा के चेक करिए, तो 2 से इंफिनिटी, 2 से 3 आपने ले लिया, 3 यहां पे लोगे नेगेटिव, c भी नहीं बैठ रहा, यहां पे से भी मन हटा दो, d पे आ जाओ, d को चेक करो, 0 और 2 के बीच में चेक करो, 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 1 को यहां पर रख के देखो, 1 1 ये सर यस, ये पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीजिंग किस में होगा, d फॉर डॉग में इंक्रीजिंग हमेशा रहेगा. आई होप ये समझाने का तरीका आपको आसानी से समझ में आ गया होगा. अगर ऐसा कुछ है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल. हम डेली 5 या 5 से ज्यादा वीडियो जरूर अपलोड करते हैं, जो कि 9th, 10th, 11th, 12th इससे ऊपर जी नीट और बहुत सारी जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे रिलेटेड रहता है, जो आपके लिए काफी फायदेमंद है. तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से और बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू.